तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जैन द हेयर आर्टिस्ट। तो गाइस आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिक कट्स के बारे में, और हम लोग बात भी करेंगे, हम लोग एडवांस कट के बारे में भी बात करेंगे। तो आप जो भी, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स है तो मुझे बताइए। आज हम लोग करने जा रहे हैं बेसिक कट्स। तो बेसिक कट्स में क्या होएगा, हम लोग स्टेप यू वी, फिर उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम लोग एडवांस कट कैसे करना है, लेयरिंग कैसे देना है, ट्विस्टिंग कट कैसे देना है, और अच्छा तरह से बुल फ्रॉग कट कैसे देना है। तो ऐसे बहुत सारे हेयर कट्स मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा, पर अभी नहीं, तो आप लोगों को धीरे धीरे करके आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, एडवांस में एकदम नहीं जाएंगे हम लोग। तो गाइस ठीक है, गाइस तो हम लोग यहाँ से हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ, मेरा नाम है जैन द हेयर आर्टिस्ट। तो गाइस मेरा नाम जैन है। तो जो भी मेरे न्यू चैनल पे आए हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन क्लिक कर देना। ठीक है गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं। गाइस तो आपको ये बता देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हेयर कट करने से पहले हम लोग ये करने चाहेंगे, हम लोग फर्स्ट हम लोग बेसिक कट करेंगे। हम लोग आज करेंगे वन लेंथ। कौन सा करेंगे? वन लेंथ हम लोग करेंगे, जिसको जीरो डिग्री एंगल कहते हैं। ठीक है गाइस, तो आप जैसे देख रहे हैं मेरे डमी हैं यहाँ पर, सो ब्यूटीफुल डमी। तो आज हम लोग डमी का बेसिक कट करेंगे। तो गाइस हम लोग ने यहाँ पर, आप जैसे, मैं थोड़ा सा डमी को ट्विस्ट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, आप जैसे देख रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा डमी है। तो डमी को, अब मेरे डमी का हेयर ऐसा है, देखो गाइस आप लोग ने जब भी क्लाइंट का करना है, आपके वेट हेयर अच्छी तरह से शैम्पू करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, शैम्पू करने के बाद कंडीशनर लगाना है, वो तो आपको पता ही होगा। तो हम लोग ने ये चीज़ें करना है। ठीक है गाइस, तो एक और चीज़ है, आप लोगों को वन प्लान करने से पहले, आप लोग ये सोच रहे होगा मेरे वीडियो में वन प्लान करा रहा है। गाइस मैं एकदम से आप लोगों को एडवांस नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोगों को जो भी अभी जो मेरे वीडियो देखते हैं वो न्यू है, जो सीखना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए, मैं सब लोगों के लिए मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग बेसिक से सीखेंगे तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो गाइस ठीक है, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से पहले हम लोग को ये हमने करने को बैक साइड, ठीक है, प्रोफाइल सेक्शन करना है। प्रोफाइल सेक्शन, हमारा प्रोफाइल आप जैसे देखते हैं, ये हमारा प्रोफाइल सेक्शन है। तो गाइस हमारा ये प्रोफाइल सेक्शन है, इसको हम लोग प्रोफाइल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रोफाइल सेक्शन हम लोग ने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से नीट करना है। ओम एंड सीजर हमारे पास सेक्शन क्लिप्स होने चाहिए। ठीक है गाइस, तो हम लोग ने फिर से हमने आपको बता दिया प्रोफाइल सेक्शन को है हम लोग। आप लोगों को डमी में आपको अच्छी तरह से दिखेगा नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। डमी में इतनी अच्छी तरह से आप लोग वो सेक्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन लगा दिया है। ठीक है, तो हम लोग ने रेडियल दिखा रहे हैं। तो गैस आज हम लोग करने जा रहे हैं वन लेंथ। ठीक है गैस, वन लेंथ, तो हम लोग रेडियल सेक्शन दिखा रहे हैं। तो हमारा ये देखो, हमारा ए टू एयर हमारा रेडियल सेक्शन। जो ए टू एयर होता है इसको रेडियल सेक्शन कहते हैं। और ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हम लोग इसको भी क्लिप लगाते हैं। ठीक है गाइस, तो क्लिप लगाने के बाद आप देख लो, आप ये मेरा बैक साइड का सेक्शन है। ओके गाइस, तो पीछे का तो गाइस कि आप लोगों को वीडियो में तो पता भी नहीं है। तो हमारा ये दो सेक्शन हमारा हमने कर दिया है। ठीक है, इसको आइसोलेट कर दिया हमने। तो उसके बाद क्या करना, तो हम लोग ने क्या करना है, प्रोफाइल सेक्शन करने के बाद डैगनल,
डायगोनल सेक्शन निकालना है, जो हमारा यहाँ पर ये पार्ट है, हम लोग को वन ट्वेंटी फिर उसके बाद कट कर देना है इसको, तो सेम साइज दूसरे तरफ से भी हमने आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये डायगोनल है, डायगोनल है। तो आप जैसे देख रहे हैं वन लेंथ के लिए अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग बड़े अच्छी तरह से वीडियो में अब हम उसके बाद यहाँ से ये सेक्शन ले लेते हैं, ये सेक्शन के बाद आपने ये वाला दोनों को इससे में पार्ट देना, ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं ये इधर है ये भी इधर है, ठीक है भाई। तो हम लोग ने क्या करना है, अच्छी तरह से आप लोग ने कोम करना है, कोम करने के बाद आपको आपको प्लैंक का इधर लेंथ है उसको वन प्लैंक जैसे आप देख रहे हैं वन प्लैंक, तो हम इसको चॉप करते हैं, चॉप करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने सेम इसका हम लोग ने गाइडलाइन गाइडलाइन में चलना है, तो आप लोग को दिख भी रहा है, ये देखो दिख रहा है। तो हम लोग ने फिर कट कर देना है इसको, कट कर देना है वही दूसरे तरफ से भी आप लोग ने कट कर देना है, ये यहाँ से ऐसे करके कट कर देना। तो हमारा ये वाला नीचे वाला गाइडलाइन बन चुका है, तो आपको दिख रहा होगा पूरा कंप्लीट कर गया है हमारा। उसके बाद हम लोग ने ये वाला सेक्शन फिर से देखा, कभी कभी क्या होता है कभी क्लाइंट लोग का नीचे वाला पार्ट हम लोग वन प्लेट काट देते हैं, पर ये वाला ऊपर वाला वन प्लेट नहीं हो पाता कभी कभी, ठीक है, क्योंकि क्या हो जाता है कोई भी लोग क्या करते हैं लेरिंग दे देता है, वो स्टेप कट दे देता है, कोई भी हेयर कट होता है, तो कभी भी हम लोगों को बन जाए क्योंकि हम लोगों को एक बेस बनाना है हम लोग, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ हमारा जो हेयर कट का मेन होता है जब हम लोग बन जाए करते हैं एक फ्रेम बन जाता है, ये याद रखना फ्रेम बन जाता है, उस फ्रेमिंग के ऊपर हमने आर्ट करना है। जब हमारा वन लेंथ जब हमारा पूरे सर्कल में हमारा वन लेंथ कट जाता है तो हमारा पूरा फ्रेमिंग हो जाता है। जब हमको फ्रेमिंग का मतलब क्या है आपको पता ही होगा गाइस, उसके अंदर एक फ्रेम होता है, हम लोग एक ड्राइंग करने का आर्ट करना पड़ता है, तब हम लोग एडवांस कट करते हैं, जैसे लेयर कट हो गया, स्टेप कट हो गया, ठीक है, ऐसे ग्रेजुएट फॉरवर्ड कट हो गया, स्क्वायर लेयर हो गया, राउंड लेयर्स हो गया, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो गाइस आप टेंशन मत लो, आपका ज़्यादा हेयर आर्टिस्ट आपके साथ है, तो गाइस हम लोग अच्छी तरह से आप लोगों को मैं जितना मेरे अंदर टैलेंट है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा गाइस, ठीक है। और वीडियो को जरूर लाइक एंड फॉलो मत करना भूलिए, और जरूर लाइक करना और कमेंट भी जरूर करना मुझे, आप लोगों का एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेट हो जाएगा गाइस, और आप लोगों का एक लाइक से मुझे और भी। तो गाइस हम लोग ऐसे ही एक एक सेक्शन करके करेंगे, ठीक है गाइस। तो हमने ऊपर का पार्ट ले लिया, हमने आइसोलेट किया तो उसको निकाल दिया है, ठीक है गाइस। तो हम लोग ने फिर से ऐसे साइड में से ऐसे लेना है, ठीक है, तो हम लोग जैसे मेरे ऊपर के बाल ऑलरेडी इसके साथ मैच थे तो हम लोग ने जस्ट क्रॉपिंग कर देना हल्का सा जस्ट लिटिल बिट, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसके साथ चेक कर लेना है क्या इधर की तरफ भी सेम है, तो हम लोग यहाँ पर चेक करने लगेगा सेम है, पर ये डमी का हेयर है ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम लोग पर चॉपिंग कर देना है, जस्ट चॉपिंग कर देना है हम लोग उधर की तरफ भी करेंगे, तो ये हमारा ये भी कट चुका है। देन अब हम लोग ये वाले सेक्शन में आ जाते हैं फ्रंट, ठीक है, फ्रंट में क्या करना है हम लोग में, ये फ्रंट का तो और है हमारा छोटा, ठीक है। अभी हम लोग सेम आप लोग ने इसका हल्का सा पार्ट देखना है, ठीक है, तो इसके साथ हमने
मैं आप लोगों को एक और तरीका बता दूँ, सब लोग गेट टू गेट लेते हैं, मैं आज आप लोगों को नया तरीका बता दूँ बताओ कैसे। तो गाइस हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारा ई एड सेक्शन है ना, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जब पूरा स्ट्रेट कट करते हैं वो लोग यहाँ से, पर मैं आपको एकदम नए तरीके से बताऊँगा आप लोगों ने क्या करना है। हल्का सा ये फिर से थोड़ा सा ले लेना है सेक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद जो पीछे वाले बाल आपने ये फ्रंट आगे वाले बाल अपने पीछे लेके आना है, पीछे लेके आप लोग ने ऐसे कर देना है, ऐसे करके चॉप कर देना, फिर से पीछे लेके आ रहा हूँ, ऐसे लेके हल्का चॉप करता हूँ, चॉप कर दिया, सेम आपने इधर की तरफ किया, इधर तक मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ गाइस, ये दिस पार्ट ये एट टू एट हो गया, ठीक है, अब हम लोग इसका हल्का सा एक्शन निकाल देना। तो सब लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं, अब लोगों ने क्या करना है, ये सेक्शन हो गया, अब लोग बैक लेके आते हैं, यहाँ बैक ले गया, बैक ले क्या बैक ले क्या इसको कट कर देना चॉप, ठीक है, सेम फिर आपने भी ऐसे पीछे लेके आ देना है, तो आपने क्या करेगा फुल फ्रेमिंग हो जाएगा और वन लाइन हो जाएगी, वन लाइन कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने वन प्लेन काट दिया है, वन प्लेन चाहिए आप लोग को पता ही होगा, आप लोग नहीं सोच रहे होंगे ये वन प्लेन, मैं डायरेक्टली मैं आप लोगों को एकदम से मैं एडवांस में लेकर नहीं जाऊँगा, आप लोगों को बेसिक नहीं पता लगेगा तो आप लोग कैसे एडवांस करोगे, ठीक है, तो यही है, ठीक है, वन प्लेन आज हम लोग वन प्लेन किया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, अभी हम लोगों ने स्ट्रेट कट किया है फ्रेमिंग कट, तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यू कट, यू कट के बाद हम लोग एडवांस डिस्कस में आप लोगों को बताऊंगा कैसे करना है, आप लोगों ने सारे वीडियो देख पाएगा। तो गाइस मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी है, आप जरूर जाके आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन में, यहाँ पर इंस्टाग्राम का पेज है, इसमें फॉलो करिए और आप लोगों को ऐसे न्यू अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है गाइस, और कभी कभी मैं लाइव भी आऊँगा यूट्यूब पर और इंस्टा पर भी, ठीक है, जरूर हम लोग लाइव में बात करेंगे, ठीक है, हम लोग कलर के बारे में बात करेंगे, ठीक है गाइस, तो जो भी मेरे न्यू चैनल है तो प्लीज़ फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन और जरूर मुझे कमेंट करिए गाइस, ठीक है, तो आप लोगों को मैंने वन प्लान बता दिया है, ठीक है, वन प्लान, और गाइस वीडियो छोड़ते जाओगे तो कुछ भी पता लगेगा, इसे आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है, तो हम लोगों ने वन प्लान का स्ट्रक्चर खत्म कर दिया है गाइस, आप लोग वीडियो बैक करके भी देख सकते हो मैंने कैसे किया है, और जरूर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए यू कट लेके आऊँगा, और जो भी जिस किसको कोई हेयर कट के बारे में डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मुझे कमेंट करोगे तो मुझे पता कैसे लगेगा आप लोगों क्या रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को किन चीज़ के बारे में आपको कौन सा हेयर कट आपको सीखने का पसंद है, क्या चीज़ में आपको डाउट है, तो मुझे ज़रूर मुझे कमेंट करिए, ठीक है गाइस, और थैंक यू सो मच गाइस, नमस्ते।